तीन चीजें आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो स्पिनोगैमी है, हर पोलन ग्रेन में दो मेल न्यूक्लियाई है और एम्ब्रियो सैक के स्टेज पे है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई स्टेज पे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बेटा आपने देखा है या फील करते हो कि प्लांट्स जो है एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू भी रखते हैं, उनको देख के एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। सो जो साइंटिफिक मेथड है, मैनेजमेंट है कल्टीवेशन का, मैनेजमेंट का इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को, दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। क्लियर टू एवरीवन? और आजकल ये इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है फार्मर्स को टू इंक्रीज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने में। एक टिपिकल फ्लावर में दो वॉल्स या दो लेयर्स होती हैं विच आर नोन एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल वॉल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाती है, एंड्रोशियम जो इसको मेल पार्ट कहेंगे एंड गाइनेशियम विच इज नोन एज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन, दे आर नोन एज सेपल्स एंड पेटल्स। सो अगर किसी फ्लावर में ये दोनों वाल या ये चारों पार्ट प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज ए कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर कोई भी पार्ट, कोई भी स्ट्रक्चर मिसिंग है इनमें से देन सच फ्लावर्स आर नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं, एसेंशियल पार्ट कौन से हैं, एसेसरी या नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल पार्ट से बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रिप्रोडक्शन। सो एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, मेल एंड फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम इज ऑल्सो नोन एज स्टैमन एंड गाइनेशियम को हम कार्पल भी कहते हैं। सो इट इज स्टैमन एंड इट इज कार्पल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टैमन्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टैमन्स इज नोन एज एंड्रोशियम। नंबर और लेंथ वेरी करती है अलग अलग स्पीशीज में। एक टिपिकल एंथर में, सॉरी एक टिपिकल स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिलामेंट एंड ऊपर जो स्ट्रक्चर है जिसमें लोब्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एंथर। सो एंथर एंड फिलामेंट आर टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइथिकस। और इसी डाइथिकस या बाइलोब एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स और यू कैन से पोलन ग्रेन और मेल गैमेट्स, राइट? तो ये सारे पार्ट आपको यहां पे देख रहे हैं लेकिन हम मेनली फोकस कर रहे हैं इस वाले पार्ट पे। अभी ये लंबा सा फिलामेंट है और ऊपर ही बाइलोब्ड या डाइथिकस एंथर है जिसमें बहुत सारे मेल गैमेट और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। इंटरनली ऑल्सो दिस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजियट, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजियट भी कह सकते हैं। और जब डिसेंस होगा, डिसेंस को आप सिंपली समझ सकते हैं रप्चरिंग होगी, तो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, ये मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो ईच पोलन ग्रेन इज टू लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है? आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। ये जनरली स्फेरिकल होते हैं, ये डायमीटर आप यहां पे देख पा रहे होंगे और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पोलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट। तो एक्साइन पार्ट हार्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए केमिकल नोन एज स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इट इज हार्डेस्ट
सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स, इसीलिए पोलन ग्रेन इजिली डिके नहीं होते और हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी इंटैक्ट फॉर्म में मिले हैं, मतलब उनमें अभी भी वायबिलिटी प्रेजेंट थी, जर्मिनेट करने की एबिलिटी प्रेजेंट थी। अब आप बताइए एनिमल्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लांट में मैंने बता दिया स्पोरोपोलेनिन होता है, तो कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल किसी भी बायोटिक एबायोटिक कंडीशन की वजह से डिग्रेड नहीं होते। इंटाइन जो पार्ट है वो बनता है पेक्टिन और सेलुलोज का, तो इसको पेक्टोसेलुलोज लेयर भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज गाइनेशियम और पिस्टिल, और एक नाम और बताया था मैंने अभी पीछे, कार्पल। तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस वन। द मिडिल पोर्शन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल एंड द लोअर स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। यहां पे मैं आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, सो दिस टिप पोर्शन इज नोन एज स्टिग्मा, जहां पे मेल गैमेट्स या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके स्टिक हो जाते हैं। दिस मिडिल रीजन इज नोन एज स्टाइल एंड दिस पोलन पार्ट इज ओवरी। ओवरी कंटेन्स लोक्यूल्स, जिनको हम ओवेरियन लोक्यूल्स भी कहते हैं। एंड इनसाइड लोक्यूल्स ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। दिस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। सो मैच्योरेशन के बाद ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स, राइट। सो दीज आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो सेपल्स और पेटल्स हैं, जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, दे आर ग्रीन लीव्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एंड पेटल्स आर कलर्ड लीव्स जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर पोलिनेशन, तो दे हेल्प्स इन पोलिनेशन। नाउ व्हाट इज पोलिनेशन, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। पोलन ग्रेन कहां पे प्रेजेंट थे, फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो टिप पोर्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऑफ द फ्लावर, उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, पोलिनेशन। कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होना विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ए वेक्टर या बायोटिक एबायोटिक एजेंट टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल इज नोन एज पोलिनेशन। तो जनरली दो टाइप का पोलिनेशन हम स्टडी करते हैं प्लांट्स में, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब ये सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड अनदर वन इज नोन एज बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब सिंगल, तो ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली आइदर मेल और फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, या तो उसमें स्टैमन होंगे या उसमें कार्पल होंगी, तो ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कुकुम्बर, पपाया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। दूसरी तरफ होते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, कि एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, देन इट इज नोन एज बाईसेक्सुअल। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, बहुत कॉमन है, रोज हो गया आपका, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, लिली, बहुत सारे हिबिस्कस, ये सारे बाईसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब आप इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे यूनिसेक्सुअल, सॉरी सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ का मतलब खुद,
तो सेल्फ पोलिनेशन किसमें होगा, बाईसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। तो या तो ग्रोथ की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से दोनों पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन। कि बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, आइदर ऑन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, तो भी उसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। टेक्निकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, कि फ्लावर अलग अलग हो गए तो क्रॉस पोलिनेशन है, बट मॉर्फोलॉजिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कहां पे होगा आप बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। तो एक फ्लावर जिसमें मेल पार्ट है, वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में, जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं, फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, तो यहां पे पोलिनेटर्स की, वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वेक्टर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट हो सकते हैं या एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज तो सबसे पहले क्या होगा कि कंफर्म हो जाता है, वेस्टेज नहीं होती कोई भी पोलन ग्रेन की, पेरेंटल या प्योर लाइंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्योर कैरेक्टर्स, पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो जाते हैं, कम पोलन ग्रेन से भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और फ्लावर्स को कोई नेक्टर मैकेनिज्म या कोई ब्राइट अपेयरेंस की जरूरत नहीं पड़ती टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फ्लावर्स का साइज स्मॉल होता है तो भी काम चल जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि इसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स वीक होते चले जाते हैं। इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में या एक जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफर होते ही रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसको ओवरकम किया जा सकता है बाय क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सेम जनरेशन में हो रहा है तो वेराइटीज नहीं आते, नए कैरेक्टर डेवलप नहीं होते, और जो मैंने बताया ना अभी की जो नॉन बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रेन हैं, वेराइटीज हैं, वो भी एलिमिनेट नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें क्रॉस पोलिनेशन के साथ, तो इससे हेल्दियर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू वेराइटीज डेवलप की जा सकती हैं और लार्ज और गुड क्वांटिटी में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर वेस्टेड, फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए, सेटेड होने चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने चाहिए, और क्योंकि एजेंट्स की जरूरत पड़ती है तो पोलिनेशन की श्योरिटी नहीं होती कि हर बार पोलिनेशन होगा ही होगा, राइट। ये कंपैरिजन है सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का, कि इन सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट ब्लूमिंग से पहले ही हो जाता है, किसी दूसरे स्पीशीज के प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, प्योरिटी प्रिजर्व हो जाती है और बट नई वेराइटीज नहीं आती। डिसएडवांटेज हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर हो जाता है। बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ब्लूमिंग के बाद ही होगा, नियर बाय एरिया में सेम स्पीशीज के प्लांट्स की जरूरत होगी, पोलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर है इसलिए वेस्टेज भी बहुत होता है, प्योरिटी मेंटेन नहीं होती, नए कैरेक्टर्स आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, वेरिएशन आ जाती हैं, तो नई वेराइटीज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो अब जो हम पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर रहे थे वो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक। एबायोटिक में दो है, विंड एंड वाटर। वाटर के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, और जब एयर के थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, तो उसको कहा जाता है एनिमोफिली। तो हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो एंटीमोफिली सबसे कॉमन है,
70 to 80% जो पोलिनेशन है इट इज डन बाय हनी बी, आप याद रखिए। उसके अलावा रोडेंट्स जैसे रैट्स हो गए, प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स की हेल्प से होता है तो उसको जूफिली कह देते हैं, बैट्स की हेल्प से होता है तो उसको चीरोपेटेरोफिली कह देते हैं। मोलस्क की हेल्प से हो जाएगा तो उसको मेलेकोफिली कहा जाएगा। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। तो ये आप एकदम लिख के इसका एक समरी शीट बना लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने इसमें लिखे हैं। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट्स और बर्ड की हेल्प से होगा तो ऑर्निथोफिली, अलोंग विद एग्जांपल क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं, है ना। तो यहां से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियो का मतलब क्लोज्ड, स्पर्मा का मतलब सीड्स, सीड्स आर क्लोज्ड। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, जहां पे दो प्रोसेस होती है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उनके जो न्यूक्लियाई है मेल और फीमेल गैमेट्स के वो फ्यूज कर जाते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय ट्रिपल फ्यूजन। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दो बार हो रही है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशलिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसकी स्पेशलिटी होती है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए कैसे होता है देखिए। अब जैसे ही स्टिग्मा पे मेल गैमेट्स आता है, पोलन ग्रेन आता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है देन इट इज नोन एज स्फिनोगैमी। स्फिनोगैमी इज पोलिनेशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, राइट। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक इज 7 celled 8 nuclei स्टेज में प्रेजेंट है, एंड ईच पोलन ग्रेन कंटेन 2 male nuclei। ये तीन चीजें आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो स्फिनोगैमी है, हर पोलन ग्रेन में 2 male nuclei है, और एम्ब्रियो सैक के स्टेज पे है 7 celled 8 nuclei स्टेज पे। 7 celled 8 nuclei का मैं भी आपको पहले आइडिया दे देता हूं कि 3 cell तो क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है जिनको एंटीपोडल्स कहेंगे, 3 cells नीचे की तरफ होती है जिनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। ये सारी की सारी हैप्लोइड है, और बीच में जो एक सेल है उसमें 2 nucleus होते हैं जिसको सेंट्रल सेल कहा जाएगा, क्योंकि 2 nucleus हैं और वो 2 nucleus कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सो इट इज नोन एज, सेल तो कितनी है, 7 cells, बट न्यूक्लियाई कितने हैं, 8। तो 7 celled 8 nuclei स्टेज होती है, राइट। और हर मेल गैमेट, मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 male nuclei। अब इसमें से 1 male nuclei तो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। देखिए कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, 1 male gamete, गैमेट नहीं बल्कि आप इसको न्यूक्लियाई कहें, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई जो यहां पे था फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ। तो एग सेल भी एप्लोइड स्ट्रक्चर, गैमेट्स है, मेल न्यूक्लियाई भी एप्लोइड स्ट्रक्चर, तो एप्लोइड प्लस एप्लोइड एक डिप्लोइड जायगोट बन जाता है। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है इसलिए इसको सिनगैमी, तो मैंने बताया था सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज नोन एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सेकंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूजन विद दिस सेंट्रल सेल, जहां पे 2 male nuclei है वो डिप्लोइड था, तो डिप्लोइड प्लस एप्लोइड ट्रिप्लोइड बन गया, इसको PEN कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो इस दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला क्या था, फर्स्ट क्या था, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड वन इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट। सो जेनरेटिव एंड
वेजिटेटिव दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया, हैप्लोइड मेल गैमेट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद हैप्लोइड एक्सेल टू फॉर्म डिप्लोइड जायगोट, और इस जायगोट से ही आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो ये जनरेशन बना रहा है तो इसको जनरेटिव कहेंगे। लेकिन जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और प्राइमरी एंडोस्पर्म पीईएन की फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो इसलिए इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा बच्चों आपको डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए अब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में जो बाकी स्ट्रक्चर है उनका क्या होगा, व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म किसमें चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म का काम क्या रहेगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती रहेगी, ये एंडोस्पर्म बन गया, बीच में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ओवरी राइपेंड ओवरी फॉर्म फ्रूट एंड ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड। तो एक टिपिकल सीड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दो तरह के सीड होते हैं, मोनोकोट सीड एंड डाइकोट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कोटिलेडन्स प्रेजेंट। अगर एक कोटिलेडन प्रेजेंट है, सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकोट, अगर दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है तो दे आर नोन एज डाइकोट्स। तो हम टिपिकल डाइकोट सीड की बात कर लेते हैं बच्चों। पहले देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, दैट इज नोन एज सीड कोट। ठीक है, ये सीड कोट दो लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा एंड इनर लेयर इज नोन एज टैगमेन। तो टेस्टा और टैगमेन मिलके क्या बना देते हैं, सीड कोट, याद रहेगा। उसके बाद ये जो छोटा सा गैप, अगर आपने ग्राम सीड देखा होगा वहां पे एक छोटा सा सीड गैप होता है, होल होता है, विच इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड इट हेल्प इन रेस्पिरेशन। और जर्मिनेशन के टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। ये कर्व्ड एरिया जो है दैट इज नोन एज हाइलम। अब ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वो पार्ट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर है वो कहलाएगा प्लूम्यूल, जिसे शूट सिस्टम बनेगा, स्टेम और ऊपर के पार्ट बनेंगे। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे का पार्ट है वो कहलाएगा रेडिकल, जिसे रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज एपिकोटाइल अबोव कोटिलेडन एंड रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल एंड बिलो कोटिलेडन। ठीक है, इन कोटिलेडन्स में फूड स्टोर होता है जो कि फ्यूचर प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो पोलिनेशन एंड यू कैन से रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट क्या कर दीजिए, एक बार फटाफट अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आप फ्रीली सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, सो दैट अदर कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। कीप स्टडिंग।